ज्ञानन योगेन च कर्मणा चक्तिया चर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्याम श्रुति मार्गदक्षे नमो नम श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नम श्री गुरुपादुकाभ्याम प्रिय शिक्षार्थियों प्यारे विद्यार्थियों एन आई के स्टूडियो में आप सबका पुनः स्वागत है मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी से आप सबके समक्ष आज उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम अंतर्गत पच्चीसवें पाठ पृथ्वी सूक्त के नाम से है उसके भाग चार के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ इस भाग में हम लोग पृथ्वी सूक्त के अठारह से बीस मंत्रों का संहिता पाठ पदपाठ और पुनश्च उसके शरणार्थ को जानेंगे तत्सहित पृथ्वी सूक्त के सारों को भी हम पढ़ेंगे इस पाठ के सार को पढ़ेंगे अठारहवा मंत्र इस प्रकार है ओ महत्सदस्थम महती बभूविथ महान्ेगम एजथुर्वे पथुष्ठे महांस्तेन्द्रो रक्षत्य प्रमाद सानो भूमे प्ररोच हिण्यस्व संदृशि मानो दिक्षत कशन मैं पुनरे बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ महत्सदस्थ महती बभूविथ महां वेग एजथुर्वे पतुष्ठे महां रक्षत्य प्रमाद सानो भूमे प्ररोचय हिण्यस्व संदृशि मानो दिवक्षत कशन मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है महत सदस्थम महति बभूविथ महां वेगाथु वे पथु वे ते महां इंद्र रक्षति अद् सा नह भूमे प्ररोचया हिरण्यस्य हिरण्यव संृशी मान दीक्षत कह ऐसा पदपाठ किया जाता है इस मंत्र का इस प्रकार है मंत्र में ऋषि कहता है हे पृथ्वी हे भगवती महत निवास स्थलम तव वेग महान कंपन च महत किंच महान इंद्र सवधान ता संरक्षति एवं भूते हे पृथ्वी तम एवं अस्मा रुचि विषयान कुरु यहाँ रुचिकर बवती कशिदी अस्मान् प्रति न्वेश अर्थात कहता हे माता हे पृथ्वी माता आप अत्यंत महान निवास स्थल हैं अत्यंत महान विस्तृत रूपी प्राणियों के निवासस्थल रूपा हैं और आपका वेग बहुत महान है और आपकी गति अत्यंत महान है किंच कंपनम भी महत् आपका कंपन भी महान है और इस प्रकार आप महान इंद्र के द्वारा संरक्षित हैं सावधान पूर्वक संरक्षित हैं इंद्र आपको सावधान पूर्वक जो स्वयं भी महान है वह इंद्र सावधान पूर्वक आपको रक्षा करता है आपकी और इस प्रकार है पृथ्वी ऐसी गुणों से अलंकृत है भगवती है पृथ्वी आप तम तो एवं अस्मान रुचि विषयान करो हे भगवती आप हम सबों को ऐसा रुचि युक्त करें हम सबों की को रुचि विषयों से युक्त करें जैसे स्वर्ण रुचिकर होता है सुवर्ण जिस प्रकार रुचिकर होता है उसी प्रकार आप हम सभी को अनेक विषयों में रुचि प्रदान करें और कश्चिद भी असमान प्रति न द्वेशत कोई भी हम लोगों से द्वेष न करे हमारे लिए किसी के मन में द्वेष उत्पन्न न हो ईर्ष्या घृणा उत्पन्न न हो इस प्रकार प्रार्थना इस मंत्र में ऋषि ने किया है अग्रिम मंत्र है अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निश्मिषु अग्निंत पुरुषेशु गोश्वेष्वग्न मैं पुनः एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निश्मिषु अग्निंत पुरुषेशु गोश्वेष्वग्न यह मूल संहिता पाठ हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है अग्नि भूम्यांषधीषु अग्नि आपहा बिभ्रती अग्नि अश्सु अग्नि अंत पुषेशु गोषु हुआ इस मंत्र में कहा गया भूमौ अस्त जलम अग्निधार किंच प्रस्तरे अस्त पुषेषु जठराग्नि अस्त किंच गोषु अश्वेशु अभी अग्नि अस्व पृथ्वी माता को प्रार्थना करते हुए कहता है हे hey भगवती आप स्वयं अग्निस्वरूपा हैं भूमौ अग्नि ही अस्थि भूमि में अग्नि है पृथ्वी आपके अंतकरण में अग्नि विद्यमान है जल भी आपके अंतकरण में विद्यमान है आप जल को भी धारण करती हैं और प्रस्तरे अपि अग्नि ही अत्यंत प्रस्तार स्वरूप भी अग्नि प्रस्तरे अपि अग्नि ही आपका जो प्रस्तार रूप है वह भी अग्नि ही स्वयं है क्योंकि अग्नि विस्तार को प्राप्त होता है उसी प्रकार जो आपका प्रस्तर रूप है वह भी अग्नि ही है और पुरुषेशु जठराग्नि ही पुरुषों में भी यह अग्नि जठराग्नि के नाम से विद्यमान रहती है जैसा कि भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम अर्थात भगवान कहते हैं मैं स्वयं वैश्वानर अग्नि के रूप में जो जठराग्नि है उसके रूप में प्राणियों के देह में आश्रय करके रहूँगा और उनके विविध प्रकार के भोग व्यंजनों को पचाऊँगा तो यह वही यहाँ भी इस मंत्र में कहा जाता कि पुरुषों में भी अग्नि तत्व विद्यमान है उनके उदर में और गऊ में अश्वों में इन सभी प्रजातियों में भी अग्निशक्ति निश्चित रूप से विद्यमान है ऐसी चर्चा इस मंत्र में की गई है अग्रिम मंत्र है अग्निर देवा आतपत्यग्नेर देवस्योर्वंतरीक्षम अग्निममर्तासैंधतेह व्यववाहं कृतप्रियं पुनः एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ। अग्निर देवा आतपत्यग्नेर देवस्योर्वंतरीक्षम अग्निममर्तासैंधतेह व्यववाहं कृतप्रियं इस मूल मंत्र का पद इस प्रकार है अग्निहि दिवाहा आतपति तपति अग्ने हे देवस्य ऊरू अंतरिक्षम अग्नि मर्ता सह ईन्धते हव्यवाह हव्यवाह घृत प्रिय पदपाट किया गया है मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है सूर्यदेव स्वर्गे तपति एक महत् की अग्नि एव मरणशीला प्राणि अग्निरेव प्रज्वाल या सूर्य देव जो स्वर्ग में रहता है वह भी अग्नि के कारण तपित होता है सूर्य देव स्वर्ग में तपित होता है और यह जो इतना महान अंतरिक्ष मंडल है जो इंद्र का लोक है जो वायु का लोक है वह भी अग्नि स्वरूप ही है और मरणशील प्राणी भी अग्नि के द्वारा ही प्रज्वलित होते हैं प्रज्वलित किए जाते हैं जो मरने वाले होते हैं मरणशील प्राणी होते हैं वे अग्नि से ही प्रज्वलित किए जाते हैं अग्नि में ही उनका संस्कार आदि संपन्न होता है अतः सर्वत्र अग्नि ही अस्तव नास्त्र किंचित संदेह से अपवाद अतएव अत्र ऋषि कथति यत् य सूर्यदेव यगे तत्रापि अग्नि एक महत् अंतरक्षमंडलम तत्रापि अग्नि एवं मरणशीला प्राणिन अभी अग्निव प्रज्वाल इस प्रकार आपने इस पृथ्वी सूक्त के बीस मंत्रों का मूल मंत्र पदपाठ और भावार्थ सरलार्थ का अध्ययन किया अब अग्रिम रूप में इस पृथ्वी सूक्त में कहे गए विषयों को सार रूप से प्रस्तुत किया जाता है अथर्वेदी पृथ्वी सूक्त न केवल वैदिकना ऋषीण प्रगाढ़ निदर्शन कौती अभी तो सौंदर्य भावनाया सहृदयताचरम निदर्शन कौती एतादृशी भावसौंदृद्धा रचना वैदिक वैदिकेशु दुर्लभा अथर्वा ऋषि तस् पृथ्वी विषय हृद्गत प्रेम भाव प्रदर्शयती ऋषीण दृष्टि पृथ्वी विस्तीर्णा महती जगत सुखदाय घृतवती पयस्वती यज्ञवती यती ते पृथिव्या मातृपर्णनायां सर्वदा मुखरा सी मनुष्याण जीवनदशाया मरणशायांच एक आशय पृथ्वी जीवानाम जीवन सूपा अर्थात यह जो अथर्वेद का पृथ्वी सूक्त है उस पृथ्वी सूक्त को केवल वैदिक ऋषियों के प्रगाढ़ ज्ञान का निदर्शन नहीं समझना चाहिए वैदिक ऋषियों के प्रगाढ़ ज्ञान का ही निदर्शन पृथ्वी सूक्त में नहीं किया गया अपितु तो पृथ्वी सूक्त में सौंदर्य भावना का भी और सहृदयता का भी चरम निदर्शन प्राप्त होता है पृथ्वी कैसे सौंदर्य युक्त है कितनी सहृदय है दयालु है इत्यादि विषयों की चर्चा पृथ्वी सूक्त में आती है एतादृशी भाव युक्ता इस प्रकार की भाव से भाव सौंदर्य समृद्ध रचना वैदिक साहित्य में विरले ही प्राप्त होते हैं नहीं के बराबर हैं इस पृथ्वी सूक्त में अथर्वा ऋषि पृथ्वी के विषयों को और हृदयगत करते हुए प्रेम भाव प्रदर्शयती अथर्वा ऋषि समस्त पृथ्वी के विषयों को हृदयंगम करते हुए प्रेम भाव का पृथ्वी के प्रति प्रदर्शन करता है ऋषिणाम दृष्टौ पृथ्वी विस्तीर्णा ऋषियों के दृष्टि में यह भू यह पृथ्वी माता अत्यंत विस्तीर्ण है विस्तारित है प्रसरित है महान है और समस्त जगत के सुखदायिनी है घृतवती है पयस्वती है यज्ञवती है इतने स्वरूपों में पृथ्वी माता का वर्णन ऋषियों ने किया है और ते पृथिव्या मातृ सर्वदा मुखरा सनती ऋषिगण पृथ्वी को मातृ रूप में प्रतिपादित करने में सर्वदा मुखर हैं उन्हें कोई आशंका नहीं होती वे एक मुक्त कंठ से पृथ्वी को मात्र के रूप में स्वीकार करते हुए मातृवत वर्णना ऋषियों ने इस सूक्त में किया है मनुष्यों के जीवन दशा का या मरण दशा का एकमात्र आशय या पृथ्वी ही है वही पृथ्वी प्राणियों को जीवन देने वाली है प्राणियों का जीवन स्वरूप वह भगवती स्वयं पृथ्वी है पृथ्वी सूक्ते त्रिष्टि मंत्रा सी यु दार्शनिक भावनाया प्रवाह दरीदृश्यते न कवल दार्शनिक भावनाया अभी तो तमृताया प्रकृति प्रेम भावनाया अक् अंकुरद अषे अथर्वण दृष्टौ पृथ्वी महिमयीम भूतभविष्यल से नियंत्री सत्यादीना धरित्री यह जो पृथ्वी सूक्त है इसमें तीस त्रिष्ठ सिक्सटी थ्री त्रिष्टि मंत्र कहे गए हैं मूलतः आप आपके पाठ में त्रिष्टि मंत्र का वर्णन न करते हुए प्रारंभिक बीस मंत्रों का संकलन किया गया है और इन मंत्रों में जो त्रिष्ट तक मंत्र हैं इन मंत्रों में दार्शनिक भाव का प्रवाह दृश्यमान होता है विचित्र वैदिक दर्शन उपलब्ध होता है और केवल दार्शनिक भावना का ही प्रवाह नहीं अपितु दार्शनिक भावना के साथ सम्मिलित प्रकृति प्रेम रूपी भावना भी सम्यक रूप से उत्पन्न होती है इस पृथ्वी में पृथ्वी सूक्त में दार्शनिक भावना के साथ साथ प्रकृति प्रेम का भी दिव्य निदर्शन प्राप्त होता है पुनः अथर्व जो हैं उनके दृष्टि में यह पृथ्वी अत्यंत महिमामयी है और भूत भविष्य इत्यादि कालों को अपने नियंत्रण में रखती है और सत्य इत्यादि को धारण करने वाली है विचिणी अस्माक माता तस्या कचिच समतलम कचिच्च बंधुरभूमि अत्र विद्य नदी पर्वत समुद्र उर्वरभूम विचित्रधर्मण प्राणिनच कहा गया कि अत्यंत विचित्र स्वरूप हमारी पृथ्वी माता हैं उसके कुछ भाग तो समतल हैं कुछ टेढ़े मेढ़े हैं कुछ ऊंचे हैं इस प्रकार भगवती का स्वरूप है इस भगव पृथ्वी माता में नदी पर्वत समुद्र उर्वर भूमि ऊसर भूमि लोक भाषा में कहा जाता वह और अनेक प्रकार के विचित्र धर्मा धर्माधर्मी लोग प्राणी लोग निवास करते हैं भारतीय परम्परायाम अचेतन वस्तूनाम भी अधिष्ठात्री देवता अंगीकृता जुलोकों तथा देवानाम तथा पृथ्वीलोक मनुष्याण मनुष्येतराम जीवानाम भी निवास स्थानम भारतीय परंपरा में अचेतन वस्तुओं को भी अचेतन पदार्थों को भी अधिष्ठात्र देवता के रूप में स्वीकृत किया गया है और दुलोक और के जैसे दुलोक में जैसे सूर्यलोक में देवताओं के निवास स्थान हैं उसी प्रकार लोक में मनुष्यों के और मनुष्य से इतर प्राणियों के भी निवास स्थान हैं अंत तो अचेतन है परंतु अस्िष्ठात्री देवता अयम संयुक्ता नियमित कहा कि यह पृथ्वी वस्तुतः अचेतन है परंतु फिर भी इस पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवता है उस अधिष्ठात्री देवता के साथ संयुक्त और नियमित रूप से पृथ्वी का स्वरूप है अतः वैदिक साहित्ये अस्य भूरिषा प्रार्थना विधीयनते वैदिक साहित्य में इस भगवती की अनेक प्रार्थनाएँ पृथ्वी के लिए उपलब्ध होती हैं अथर्वेदीय पृथ्वी सूक्त पृथ्वी महत्व की उत्पत्ते पुरा समुद्र समद्रपयसी निमज्जिता आसीत इं पृथिवी विवांसा स्वपराक्रमेण इमा अवापु अतएव मतृ रूपेण पालयपेण स्तूजते एक वसुधा अथर्वेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी पृथ्वी की अत्यंत महनीयता को प्रतिपादित किया गया है उत्पन्न के पूर्व समुद्र में यह पृथ्वी निमजित थी समुद्र में विलीन थी और विद्वान लोग अपने पराक्रम के द्वारा इस पृथ्वी को प्राप्त किए अपने तप प्रभाव के द्वारा इस पृथ्वी माता को प्राप्त किए अतएव इसको पृथ्वी माता को मातृ के रूप में पालयत्री के रूप में ऋषियों ने स्तवन किया है इस प्रकार हम पृथ्वी माता के स्वरूपों का अध्ययन किए अब इस पाठ के कुछ सार तत्वों का अध्ययन हम सब यहाँ करते हैं सूक्त स्मिन पृथ्व्या भूमिर्वा वैशिष्ट्यम विस्तारेण उपन्यास्तम अस्ती यह इस सूक्त में पृथ्वी और भूमि के वैशिष्ट्यों का विशिष्टताओं का विशेषताओं का विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है ऋषि ब्रूते यत् सत्यम बृहत ऋतम उग्रं दीक्षा तपह यज्ञ ब्रह्म पृथ्वी धारयंती ऋषि कहता है कि सत्य बृहत ऋत उग्र दीक्षा तप और यज्ञ और ब्रह्म यह सब पृथ्वी को धारण करते हैं अर्थात जो इन सभी तत्वों से अलंकृत होगा वही पृथ्वी का साम्राज्य को भोग सकता है इस मंत्रों में इन सूक्तों में संपूर्ण एक राष्ट्र की परिकल्पना की गई है किस प्रकार हमारा राष्ट्र का प्रशासन होवे राजा कैसा होवे उन सभी का अभी उपलक्षण इस सूक्त में प्राप्त होता है वही राजा हो सकता है वही जो राजवत शासन करने में समर्थ होता है जो सत्यवान हो जिसका हृदय अत्यंत महान हो जो सत्य के इतर कुछ भी नहीं जानता हो और जो कठोर भी हो दीक्षा जो शिक्षित हो तपस्वी हो यज्ञ करता हो और जो ब्रह्म को जानता हो वही पृथ्वी पर राज करने में समर्थ हो सकता है इं भूमि मानवाना मध्य असंवादम अस्ति या भूमि मानवों के मध्य असंवाद है अर्थात कोई प्रकार का मानवों के मध्य संबंधित नहीं है मानव समुदाय से बंधी हुई यह पृथ्वी नहीं है अस्या उद्वत प्रवतः समम बहुप्रदेशा सन्नी इसके बहुत सारे स्थान कुछ ऊंचे, कुछ समान कुछ नीचे इस प्रकार में हैं नाना नानावीरिया औषधि बिहरती अनेक वीर्य संपन्न अनेक शक्ति संपन्न औषधियों को यह पृथ्वी स्वयं धारण करती है पृथ्व्या में एक आपहा पृथ्वी में ही जल इत्यादि का नदियों का समुद्र का प्रवाह होता है इत्थम विश्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा भूमि वैश्वानरम बिभ्रति अस्मान द्रविणम दधातु इस प्रकार जो विश्व को वर्ण करने वाली है वसुओं की धरित्री है जो प्रतिष्ठा युक्त है हिरण्यवक्षा है भगवती भूमि जो वैश्वानर को धारण करती है वह हम सभी के लिए द्रविणम द्रविणम का अर्थ होता है धन वह सभी हम वह भगवती हम सभी के लिए धन प्रदान करें हमारे लिए धन धारण कराएँ सा माता भूमि मे पुत्राय पय विसृज्यता वह भगवती भूमि हमारे सभी पुत्र पौत्रादियों के लिए जल की प्रबंध करें दुग्ध का विसर्जन करें भूमि माता हम पृथिव्या पुत्र अस्मि भगवती हमारी माता है हम सब उनके पुत्र रूप में हैं जैसा कि मंत्र में कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या इस प्रकार ऋषि अपने ज्ञान प्रकाश के माध्यम से भगवती वसुधा की नाना रूपों में चर्चा ऋषियों ने किया है इस प्रकार आपका ये पृथ्वी सूक्त का पाठ परिपूर्ण हुआ आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद